वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स, मैं आरती शर्मा फिर एक बारी आपके सामने हाजिर हूँ चंद्रशेखर फार्म पार्ट 3 दिखाने के लिए। तो कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। सब पहाड़ है पेड़ों के पीछे है जो चंद्रशेखर फार्म के कैंपिंग एरिया में, जहाँ पे लोग कैंपिंग करने आते, पिकनिक मनाने आते और रहते भी हैं और लोग केयर भी करते हैं। तो चलिए आई थी गाइस, अब हम आ गए हैं कैंपिंग एरिया में, तो अब चलते हैं। ये कैंपिंग एरिया गाइस बच्चों के लिए है, जो पिकनिक वगैरह मनाने आते हैं और बहुत मतलब कि मौज मस्ती करने आते हैं, काफ़ी टाइम तक रुक के भी जाते हैं। सो उनके लिए इन लोगों ने ये कैंपिंग एरिया बना रखा है चंद्रशेखर फार्म में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह कूलर लगे हुए हैं और बच्चों के लिए रहने के लिए अच्छी व्यवस्था करके रखी है इन लोगों ने। और आपको दिखाते हैं आगे चल के। सो पहले कैंपिंग एरिया चलते हैं, ठीक है? आ जाओ, चलते हैं पहले कैंपिंग एरिया।
गाइस ये देखो बैठने के लिए कितना अच्छा बनाया हुआ है, और देखो लाइट्स का, पानी का, सब चीज़ों का इंतजाम है यहाँ पे। आई थिंक कुछ लोग रहते भी हैं यहाँ इस टाइम पे। जो इस जगह की केयर करते हैं, तो दिखाते हैं आपको। ये था चंद्रशेखर का किचन। ये देखिए यहाँ पे चेयर वगैरह लगी हुई है, ये लोग रहते हैं यहाँ पे, बैठते हैं। तो दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे अभी दो साल पहले, दो शायद तीन चार साल पहले काम चला होगा, तो यहाँ पे बहुत सुंदर, देखिए बहुत सुंदर पार्ट्स के वो लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं, विंडो। देन चलो भाई, ये देखिए बहुत ही सुंदर जगह है। ये देखिए सबके बैठने के लिए चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं, यहाँ पे सभी तरह के इंतजाम है, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आने जाने के रास्ते बहुत सारे हैं, बट इन लोगों ने बंद कर रखे हैं ताकि कोई यहाँ पे आ ना जाए। ये देखिए अभी भी हमने एंट्री मांगी है, तब हमें आने दिया है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे लोगों को ये लोग आने नहीं देते, इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है बाहर नो एंट्री। तो हमने पहले परमिशन ली है और उसके बाद ही हम यहाँ पे आए हैं। बच्चों का चल रहा है फोटोशूट। जिनावर के बारे में बताते हैं कैसे जो कुछ है इम्प्रूवमेंट हो जाएगा यहाँ पे अभी आने वाले टाइम में। देखो मैडम जी अभी ट्रेनिंग चल रही है, देखो गवर्नमेंट क्या कर सकती है। पहले एक बार तो अच्छा काम हो गया था यहाँ। हाँ जी बहुत अच्छा हुआ था पहले, तो अब तो सारा उजाड़ हो गया। हाँ जी, तो देखो आगे क्या होता है। प्रिंट अप्लाई कर रहा है गवर्नमेंट में, ट्रेनिंग चली है तब फॉलो करेगी। हाँ जी अच्छा हो जाना चाहिए, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह। बहुत अच्छी है जी। So guys, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा। कानू 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 क्या कर रही है? सो गाइस देखो कितने एनिमल्स रखे हैं, ये सब पहले उड़ गया। मम्मी मेरा खत लेके गया ये, आप सब तक पहुंच जाएगा। आई लव यू का हैरी पॉटर वाला। आउट। गाइस पूरा पहले डेकोरेट करके रखा था, पर यहाँ पे बच्चे वगैरह आते हैं, इनके ऊपर चढ़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो इन्होंने इनको सबको एक जगह रख दिया है ताकि कोई इनका मिसयूज ना कर पाए, मतलब तो तोड़फोड़ ना पाए। और देखो स्नैक भी है। और देखो नहीं वो तो वो है कंगारू पीछे से दिखने में डायनासोर जैसा लग रहा है। गाइस और देखो वो पीछे ना, सबसे पीछे वो कंगारू की बहनें हैं दो।
फिर चल तेरन बना फिर कर पे। सो गाइस ये है मेरी सबसे छोटी चाची, इनसे बड़ी एक और है, और चाची आप हाय कर दो सबको। सबको हाय हाय, राम राम, राम राम। सो गाइस चाची ढक रही है बिटोड़े को। हमारे यहाँ ये उपले जो बनते हैं, हमारे यहाँ गोसों का ये बिटोड़ा बनाया जाता है, तो ऐसे उसको गोसों को ढक दिया जाता है। उपले भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो गाइस बताना आप लोग क्या क्या बोलते हो इनको, कि हमारे साइड इसको बिटोड़ा बोलते हैं, आपके साइड क्या बोलते हैं। लोट में, और ये है चाची की गाय, दो गाय हैं और एक बच्चा है। चाची ने लगा रखा है आम का पेड़, और देखो गाइस आम भी लग रहे हैं, ये देखो कच्चे अभी, आम भी है अभी, तो बोलो कच्चे अभी आम दिख नहीं रहे। गाइस हम आ गए हैं घर आके हमने पी लिया पानी वगैरह, और मम्मी बना रही है खाना, मोमोज पार्टी। सो गाइस मैं करती हूँ यहीं पे वीडियो का एंड, और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।